सुमनपुर नाम गोटे गाँ टे से गाँव हरिया एवं तार स्त्री रहुथिले। हरिया प्रतिदिन जंगल को जाए एवं किछि काठ काटी फेरी आसे। से ही काठ बिकी से जहाँ पैसा पत्र पाए से ता घर को सौदा किणे। यही गरीब अवस्था चलिबा देखी ता स्त्री हरिया उपरे बहुत विरक्त होउथाए। दिनकर घटना, दिने हरिया जंगल भीतर को काठ पाई जाए। से देखे जे आउ पाखापाखि काठ मिलिबा असंभव हो गलणी, तेणु से टिके जंगल भीतर को चलीगला। किछि बाट जीवा परे ताकु गोटिए थुंटा गछ देखाला। से गछ पाख को चलला। गछ पाख को जाई देखिला जे गछटी पूरा पूरी सुखी झणझण हो जाइछि। ता मनरे बहुत खुशी हो गला। से गछ उपरे चढ़िला एवं मन खुशीरे काठ काटिबा आरंभ कला। कुराड़ी एवं काठ काटिबार शब्द हेबारु पाख गछरे थिबा गोटिए पिशाचीर निद भांगिगला। पिशाची पूरापूरी रागिगला एवं से बहु जोर रे चित्कार करी काठुरिया हरिया पाखकु आसिला। हरिया पिशाची को देखि भयरे थरिबाकु लागिला एवं भगवानंकु प्रार्थना कला। पिशाची हरिया को कहिला, किए तू एठिकु काहेकि आसिछु? हरिया थरी थरी उत्तर देला, पिशाची आज्ञा, मु हरिया एई पाख गाँरे रहुछि, मु जंगल को काठ काटिबाकु आसिथिली। पिशाची टिकिए हसिदेला एवं कहिला, हा हा जा हेउ, केते दिन परे आज मु मनीष मांस टिके खाई पारिबी। हरिया मने मने गोटिए बुद्धि पांचिला एवं कहिला, हे पिशाची, आज तमे मते जमा भी खाओ नाही, कारण आज मु काम करी करी मो देह झाल होई जाइछि, तेणु बहुत दुर्गंध हेउछि। मु काली सफा सुतुरा होई भल करी गंडे खाई आसिबी, तापरे तमे मते खाइबो आउ मु बहुत स्वादिष्ट मध्य लागिबी। पिशाची प्रथमे हरियार कथा को विश्वास कला नाही, किंतु हरिया बारंबार एही कथा कहिबा परे पिशाची हरिया को घर को जिबाकु देला। हरिया तरतर होई आसिला एवं घरे पहुंची से घटिथिबा घटना विषय रे तार स्त्री को सबु कथा कहिला। हरियार कथा सुनी हरियार स्त्री कहिला, देख तमे जमा भी व्यस्त हो ना, काली मुन तुमको गोटिए भल उपाय कहिबी। हरिया खाद्य खाई सारिबा परे सोइबाकु चलीगला। रातिरे हरियार स्त्री गोटिए भल उपाय चिंता कला। परदिन सकाळ हेला, हरिया निदरु उठि पिशाची पाखकु जिबा पई बाहरि थाए। एही समय रे ता स्त्री आसी ता कानरे किछि कहिला। हरिया ता स्त्रीर कथा शुणिला एवं जंगलकु बाहरि चालिला। हरिया जंगलरे पहुँचिला एवं पिशाची को चित्कार करि डाकिला, पिशाची आज्ञा, ओ पिशाची आज्ञा। नि पिशाची गछ उपरु तळकु आसिला एवं कहिला, जा हेउ, तू तो कथा रखी आज ए जंगल को आसिलु, जदि तू आज ए जंगल को आसी न थंतु आज संध्यारे तुम घर को जाई तत्ते आउ तो स्त्री को मारी खाई जाई थांती। पिशाची स्वादिष्ट भोजन नाम शुणु शुणु संगे संगे हरिया सह जीवापाई राजी होइगला। या कहिला, देख पिशाची आज्ञा, आज मु तुम पाई गोटे भल भोजन व्यवस्था करी। यही पाखरे गोटे कुड़िया अच्छी, से इधरे सब व्यंजन रखा जा मोसह आस। हरिया पिशाची को जंगल अंका बंका रास्त एणे तेणे बुलाई हताश कर सारी एवं शेष को से जा कुड़िया पाखरे पहुँचे। समय पूर्व हरियार स्त्री आसी से ही खाद्य लंका गुंड बहुमात्रा रे पकई दे चली जाइथिला। पिशाची जेमिति खाद्य खाइबा आरंभ करिछि, हरिया बाहर पटकु आसी दुआर टिकु किली देला। हरिया तापरे सेटु घर को चली। अत्यधिक राग मसला युक्त खाद्य पदार्थ होइथिबारु पिशाची सेगुडक खाई संगे संगे
ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ହରିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ପିଶାଚିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପିଶାଚି ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ରାଗଯୁକ୍ତ ମସଲା ସେଇଟାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାହାର ପଟୁ କିଏ ଦୁଆର କିଳି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁ ରାଗରେ ହରିଆ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସେହି ଘରର ଛାତ କଣା କରି ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ରାଗରେ ହରିଆକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ବୁଲିଲା। ପରଦିନ ହରିଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ହରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଆ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ସେ ପିଶାଚି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଥିବ। ହରିଆ କହିଲା, ହଁ ସେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଖୋଜିବ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ହରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଫଟୋ ତୁମେ ତୁମ ମୁଣିରେ ରଖିଥାଅ। ଯେବେ ପିଶାଚି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଫଟୋଟି ତାକୁ ଛୁଆଁଇଦେବ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହରିଆ ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗଛ କାଟିବାର ଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଶୁଭୁଥାଏ। ପିଶାଚି ଆରପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଆସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ହରିଆ ଗଛ କାଟୁଛି। ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ହସ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ସେଦିନ ସିନା ତୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଗଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମୁଣିରୁ ଗୋଟିଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଫଟୋ କାଢ଼ିଲା ଏବଂ ପିଶାଚି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଶାଚି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପିଶାଚି ଜଳି ପାଉଁଶରେ ପାଲଟିଗଲା।